अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में जो हम गाइडलाइन को डिस्कस करेंगे वो हम फोटो एडिटिंग को डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने पिक्सा अडोब फोटोशॉप को इंस्टॉल कर लिया है, उसको ओपन करेंगे, उसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ज़बरदस्त जो फोटो एडिटिंग है वो पिक्सा अबे के नाम से उस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। इसमें ऑलमोस्ट 2.6 मिलियन प्लस, मतलब उसके ज़्यादा पिक्चर मौजूद हैं हर तरह से। इधर हमारे पास वो फोटोशॉप अडोब फोटोशॉप भी ओपन हो गया है। यहाँ पे हम अभी अपनी TLD फाइल खोल लेंगे, ओपन कर लेंगे उसको। ये पहले ही हमने बिल्ट इन की हुई है, ये मतलब हमने पहले ही वेट की हुई है। मैं आपको क्लीन करके बताता हूँ। सबसे पहले ये बताता हूँ, फर्ज करें ये आपके पास एक TLD फाइल पड़ी हुई है, यहाँ पे आपने अपनी मर्जी से कोई पिक्चर लगानी है। उसके लिए अब हमें पता नहीं है कि वो फोटो कैसे डिलीट होगी, इसके लिए लेयर दें, ये मुख्तलिफ लेयर दें। अब ये लेयर है, इसको ऐसे आंख बंद करेंगे, जिधर अब फर्ज करें ये लेयर है ना, इसकी आंख बंद की है तो ये पिक्चर देखें जैसे रिमूव हो गया है। मतलब इधर का कि इस लेयर में ये जो फोटो है इधर पड़ा हुआ है। अभी हम इसको डिलीट करेंगे, यहाँ से ये डिलीट कर दिया। और अभी हमने जो आर्टिकल का है ना टाइटल, वो भी अपनी मर्जी से रखना है। टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे करेंगे ऐसे कंट्रोल ए करके रिमूव कर देंगे। अभी हम उधर हमारे पास पिक्सा बे भी ओपन हो गया है। फर्ज करें हमारा टाइटल है सेल फोन से रिलेटेड है। फर्स्ट अभी हम कोई सेल फोन सर्च कर लेंगे, सेल फोन सर्च कर लेंगे कोई भी, मतलब ये जो ऊपर वाले होते हैं ना, ये लिखे पिक्सा पे कोपन लिखा हुआ है, ये जो होते हैं ये ऊपर वाले जो लिखा हुआ कोपन, ये जो होते हैं ये फ्री वाले नहीं होते, फ्री वाले ये नीचे होते हैं, वो पैसे पैसे दे के खरीदने पड़ते हैं। अब हम इधर से कोई भी फोटो उठा लेंगे, ये फर्ज करें ये उठा लिया, ओपन कर लिए इसे। हमारा टाइटल इधर लिख लेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, अभी हम यहाँ पे अपना टाइटल लिखेंगे। फर्ज करें बेस्ट सेल फोन्स। एंड्रॉइड ये हम लिख दिया। अभी हम इसको सेट कर देते हैं। ये सेल के आगे रख के अपना कर्सर को इंटर मारा, ये भी थोड़ा मजे का नहीं लग रहा, इसको सेटिंग कर लेंगे। कंट्रोल दबाएंगे ना, एक मिनट सॉरी, ये जरा अगर पहले छोटा कर लेंगे, फिर नीचे चला गया, थोड़ा छोटा करके फिर हमें इसे सेटिंग कर देते हैं। ये छोटा हो गया थोड़ा, अब इसे इनको एंटर मारेंगे। एंड्रॉइड एंड्रॉइड सॉरी, फर्ज करें यहाँ पे ये हो गया। अब हम इसको थोड़ा वाइड कर लेंगे, जितना हमें अच्छा, मतलब यूजर के लिए जितना कंफर्टेबल हो। अभी हमने इसे ऐसे कर लिया, अभी यहाँ पे टिक का ऑप्शन है, ये अब आपका सेट हो गया। अभी हम उधर से पिक्चर उठा लेते हैं, ये वही फोन वाली पिक्चर है एप्पल वाली, इसको राइट क्लिक करके कॉपी इमेज करेंगे। तो यहाँ पे जाके आप करेंगे, यहाँ पे लेयर होगी इमेज की, ये इमेज की लेयर को सिलेक्ट किया। और यहाँ पे एक ऑप्शन है ये फ्रंट पे मूव टूल का, इसको ऐसे करेंगे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप दरमियान में आके कंट्रोल वी कर देंगे। और ये फोटो देखें अच्छा नहीं लग रहा, इसको हम ऐसे करेंगे कि टेक्स्ट ऊपर आ गया है तो ये नीचे चला गया पिक्चर। अभी हम इसको सेट करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे इसके लिए। अब हम इसको ऐसे देखें, जिधर चाहे आप मूव कर सकते हैं, जिधर चाहे मूव कर सकते हैं। अब इसको हम सेट कर देंगे। अभी हम यहाँ क्लिक कर दिया ऑप्शन, अब ये थोड़ा अच्छा नहीं बना, देखे ना अभी मजे का नहीं लग रहा। इसके अब हम ऊपर अभी क्लिपिंग मास्क लगाएंगे, ये राइट क्लिक किया यहाँ पे, ये क्रिएट क्लिपिंग मास्क है। अब आप इसको मजीद सेट कर सकते हैं, इधर ये देखें,
लेफ्ट क्लिक कर, लेफ्ट बटन को ना करके आप ऐसे थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं अपनी मर्जी से। फर्स्ट यहाँ पे हमारी ये पिक्चर एक कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम सेव करेंगे। फर्स्ट के लिए अपने वेबसाइट के लिए सेव करना है, तो ऐसे सेव कर लेंगे, सेव ऑप्शन ये देखें, मतलब ऐसा सेव करना है कि आपको जो पिक्चर है पूरी नजर आए। ये अभी भी नहीं आ रही, ये अभी सही पिक्चर यहाँ पे सेव क्लिक कर रही है। अब यहाँ पे आपने किस मर्जी नाम से सेव करना है ना, तो सेव कर। अभी हमको इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हम सेव नहीं करेंगे। आप इसी तरह से आप दूसरे दूसरे स्टेप्स को भी कर सकते हैं। तो अभी मैं फर्स्ट करेंगे इसको रिमूव करने के बाद एक और पिक्चर बनाता हूँ, इसको उसी तरह डिलीट लेयर डिलीट कर देते हैं। ये टैक्स है, कंट्रोल ए करके रिमूव कर देंगे। अभी हम नया फर्ज करें, हमारा टाइटल है अब सेलफोन ही है, टेस्ट नाइफ सेट, सॉरी 100 डॉलर। देखो आगे चला के यहाँ पे रख के हम इंटर मारेंगे, ठीक हो गया। आप इसको अपनी मर्जी से सेट कर लेंगे, से कर लेंगे ताकि अच्छा नजर आए। यहाँ से क्लिक, और आप आपको एक और चीज बताऊँ, आप इधर वेबसाइट का भी एक ऑप्शन होता है, तो टाइटल क्लियर, ये राइट पे ना आपको सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं। बात करिए हमने अभी जो लिखा है ना, ये देखिए हमने अपने क्या लिखा है, ये सब टाइटल है, ये देखिए। अब जो चीज देख रही हो ना, आंख बंद करके, आंख बनी हुई है उसको देखें तो उससे नजर आ जाएगा। अभी मैं आपको एक और ऑप्शन दिखाना चाह रहा हूँ, डिजाइन टाइटल टैग्स, वो एक टैब का ऑप्शन होता है, उससे आप इधर जो नीचे बना हुआ है ना उससे अपनी वेबसाइट का भी नाम लिख सकते हैं, बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, शेप को, डिजाइन को, बाकी मुख्तलिफ ऑप्शन है। लेकिन आप एफिलिएट के लिए मैं बता रहा हूँ, उसमें आप फर्ज करें नॉर्मल ये अच्छा है, इमेज को सिलेक्ट करेंगे, ये फर्ज करें अभी हम कर देते हैं जी कोई और, फर्स्ट करें नाइफ लिखा हुआ है ना, अभी हम नाइफ को कर देते हैं, इंटर मार देते हैं। अभी अभी भी देखें हम नाइफ ओपन कर लेते हैं, कोई भी नाइफ फर्स्ट करें, ये नाइफ है हमें चाहिए, ये पिक्चर सिंपल। उसी तरह कॉपी इमेज करेंगे, अडोब फोटोशॉप में आगे इमेज सेलेक्ट किया हुआ है हमने, अब उसी तरह शुरू में ये सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे। अभी हम आपको कर्सर को इसको सही पोजीशन पे लेके आएंगे ताकि फोटो वाली पोजीशन पे आ जाए। अभी हमें इधर तक छोड़ देना है, इधर से ऊपर से आपने यस कर देना है, आपने इधर राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क बना देना है, और उसी तरह मैं सेव करने का तरीका आपको बता दूं, इस तरह कि आप सही शो नहीं हो रहा, थोड़ा छोटा करके इंटर कर दें, यहाँ पे सेव कर, ठीक हो गया। आप लेटर यूज के लिए, वेबसाइट के लिए भी यूज कर सकते हैं, और इसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।